हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले अपने प्रीवियस वीडियो में बता रहे थे वर्क एनर्जी एंड पावर। अभी इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटेशन। तो देखिए ग्रेविटेशन क्या होता है कि उसमें सबसे फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो न्यूटन्स लॉ होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखिए न्यूटन्स ने फाइंड किया कि यूनिवर्स में जो टू बॉडी हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तो उनके बीच में फोर्स कितना अप्लाई होता है। तो मान लीजिए कि टू बॉडी हैं और एक का मास क्या है कैपिटल एम और एक बॉडी का मास स्मॉल एम और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है स्मॉल डी है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखिये एफ विल बी इक्वल होता है कैपिटल एम स्मॉल एम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड नंबर यह प्रोपोर्शनल टू होता है 1/d² सेकेंड नंबर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यह प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम बाई डी स्क्वायर या कैपिटल एफ विल बी इक्वल होता है कैपिटल जी स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, जिसमें जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वेयर वेयर जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब जब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू भी होती है, तो कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो देखिए जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है फिक्स होती है। इसके बाद क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या होता है ग्रेविटी। तो जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग देखते हैं तो कोई भी बॉडी को आप कितने फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करती है तो उसी को हम क्या कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पर मान लीजिए कि कोई बॉडी है जिसका मास क्या है अर्थ है, मास एम है, सेंटर ओ है, रेडियस कितना है आर है और हाइट पर एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल एम है, इसकी हाइट कितनी है एच है। अब देखिये टोटल जो हाइट होगी सेंटर से हो जाएगी आर प्लस एच। तो इन बॉडी दो बॉडी जैसे कैपिटल एम है और स्मॉल एम है इनके बीच कितना फोर्स अप्लाई होगा, तो फोर्स अप्लाई होगा एफ विल बी इक्वल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन बाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ से जब देखते हैं तो एफ विल बी इक्वल क्या होता है एम जी फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयर कर लीजिए तो एम जी विल बी इक्वल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, एम कैंसिल हो जाएगा स्मॉल जी विल बी इक्वल जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर ये हो गया आपका सेकेंड नंबर स्मॉल जी विल बी इक्वल क्या होगा जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये रिलेशन भी है स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच, इफ आर इज ग्रेटर देन स्मॉल एच तो उस केस में आप एच को निग्लेक्ट कर देंगे तो स्मॉल जी विल बी इक्वल आ जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर। ये भी एक क्या होता है इनके बीच का रिलेशन। अगर यहां पर एम की वैल्यू कैलकुलेट करिए तो हो जाएगा जी आर स्क्वायर अपान कैपिटल जी, अगर एम की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करें तो जी आर स्क्वायर अपान क्या होगा कैपिटल जी हो जाएगा। और जबकि मास विल बी इक्वल होता है देखिए डेंसिटी विल बी इक्वल होता है डेंसिटी, तो ये आप यहां तक कैलकुलेट करेंगे मेन है कि रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो स्मॉल जी विल बी इक्वल क्या होगा जी एम अपान आर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।